सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सूरज गैर एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि अभी मैं जा रहा था क्लास, एक शूट है। तो आप लोग को थंबनेल देख के शायद से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझाओ तो वीडियो देखना पूरा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं सूरज ने कौन सा शूट किया। तो चलते हैं। तो अब तो पहुँच गए, ये देखो ये खुशी मेरी है, ये कल्याण की कल्याणी है, याशी देन भाभी का, इसको तो देखा ही होगा, पहचानते रे ये। हाँ तो पहचानते, पॉपर है तो मैं, ए स्मॉल है, छोटिया अच्छा इनके साथ में। और नयन आया नहीं अभी तक, क्योंकि नयन को कॉल किया तो नयन ने कॉल नहीं उठा रहा था, वो क्योंकि सोया था। उसको पहले ही सर ने बोल दिया था कि तू क्लास में ही सो जाना, फिर भी वो नहीं 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 बोल रहा था, बट उसका भी कॉल कर दिया तो वो भी निकल रहा, तो वो बाद में पहुंच जाएगा। ये है जुगाड़। तो लोग सुबह सुबह उठ के पहले हम लोग बस स्टॉप गए, फिर वहाँ से हम लोग को पता चला कि BHT का जो नालो सुबह का बस रहता है वो आने वाला नहीं है, तो फिर वहाँ से हम लोग ने ऑटो पकड़ा। फिर शेयरिंग में हम लोग कितने लोग, 7 लोग, एक रिक्शे में हम लोग 7 लोग थे, कितने 7, तो हम लोग 7 लोग एक रिक्शे में, पता नहीं गर्ल्स लोग कैसे 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 करके पीछे एक के ऊपर बैठ गए, और हम लोग आगे मूवी देखने गए। मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम था भूतनी नाचेगी तवे पे। हेट रही है मूवी, एकदम हेट है, एकदम कतई जहर, कतई जहर। अच्छा लगा तेरे को मूवी? ये अंकल भी हमारे साथ ही है, आप भी हमारे साथ ही चल रहे हो ना? अच्छा अच्छा सुनो, तो हाय तो बोल दो, ऐसा ऐसा हाय तो बोल दो। तो वो भी सर मारे, ये छपर है ये ना, ये ना इसको बोला करके कि जल्दी आ, और ये ना 4 बजे तक सोया, क्या बोला ये ना 4 बजे तक सोया ही था, क्या बोला लाइक करो शेयर करो फॉलो करो। कंधों की किताबों के बोझ ने चुकाया, लिखना पढ़ना लिखना तो सिर्फ पापा ने सिखाया, 99 मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, तो हम लोग विरार पहुंच गए। अभी कहाँ जा रहे? अभी आधे घंटे का रास्ता चलना है सिर्फ, इन लोगों को किसको भी पता है नहीं है, सिर्फ चलना है। प्रॉपर टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 6:42 हो गए, फिर भी इसका आँख नहीं खुल रहा है। ऐसा मतलब मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा छोटे छोटे जो झोपड़ी होता है ना। ए तुम लोग का रास्ता मालूम है क्या, जो तुम लोग आगे आगे चले जा रहे हो, तुम लोग का रास्ता पता है क्या? नहीं ना, तो रुको ना, हाँ आजा आजा, वो बोलती है मेरे को दिखाओ ना व्लॉग में, तो दिखाऊंगा ना जरूर। खुशी गाइस देखो इधर पसीने छूट रहे, हम 20 मिनट से चल रहे हैं, ये हमको येड़ा बना के पेड़ा खिला रहे, क्या अभी 10 मिनट में आ जाएगा, अब तक आया नहीं है। आप लोग को लग रहा रहेगा कि मैं हर मंडे डालता हूँ वीडियो, तो ये 2 मंडे मतलब वीडियो क्यों नहीं आया, एग्जाम चल रहा है मेरा, और एग्जाम के टाइम पे कैसा मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकता, और ये लोग ने जस्ट अभी एग्जाम के टाइम पे ही जस्ट मतलब मूवी का, एक मराठी मूवी था उसका जो शूट था ये लोग ने भी कर लिया है, ये 4-5 लोग ने भी कर लिया है, और मैंने अभी तक नहीं किया है, कि देखते अभी मतलब उसका भी शायद से 1% का चांस है, तो वो मौका मिलता है तो वो छोड़ेंगे नहीं, पक्का जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं साला। तो ये वीडियो जल्दी आएगा आपके पास, तो देखना मुझे स्पेशली, न्यू मेंबर इसको भी लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो। आंखें तो बड़ी नहीं हो रही है, बस आगे आगे चलते जा रहे हैं। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हो? बड़े अंकल का बॉडी तो देखो, ये देखो 6 abs। वैसे आपको कहाँ जाना, कहाँ है? यहाँ से सीधा यही लेफ्ट मारिए,
बिल्कुल मत जाना उधर पे। मैं आऊंगी कैमरे के सामने अभी ऐसा सीन हुआ कि मतलब इतना दूर से चल के आने के बाद भी मतलब फिर से मतलब जहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो मंदिर के इधर था ना उधर पे फिर चल के जाना है। तो मेरे को चलते रहता है और कहा तो एग्जाम पे पहले पूछ ले क्या किधर है अंदर लेके गया पूरा अंदर तो फिर मजा आया कि नहीं फिर नक्सल का ये चीज है ना तूने हम लोग को 18 किलोमीटर चलाया है ठीक है वो जू चौपाटी से लेके अंधेरी तक 18 किलोमीटर चलाया समझे क्या उसका बदला लेकिन नहीं चलता वो रात का टाइम था ऐसे नहीं चलते रहो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट सुन रहे वो लोग सुना सच्ची ने सुना दोनों के कान में अरे सच्ची ने सुना कोई नहीं सुना अच्छी नहीं सुना मैं भी नहीं सुनी देख तूने सुना कुछ तो लेफ्ट राइट देखा सुना कि एक जन तो है साथ में तूने सुना कल्याणी क्या सुना राइट लेफ्ट अरे लेफ्ट राइट रे अच्छा क्या सुना कुछ नया कुछ नया हाँ लाइफ में कुछ नया भी होना चाहिए अच्छा लगता अरे झोपड़ी को तो देखो कितना अच्छा है कितना ऑसम है कितनी प्यारी है जिनको ढूंढा गली गली वो जाके यहीं पे मिली। सुशील सर भी यहाँ पे मिल गए राहुल सर हमारा वहाँ पे वेटिंग कर रहे कि ये लोग कभी तक आएंगे करके सर ने वापस फिर से मचा दिया इतना चलाया ना कैसे सब लोग तो कैसे हो आप लोग। ये हमारे राहुल सर है क्या बोल रही है पब्लिक आवाज करो सूरज सूरज के ब्लॉग के लिए फॉलोअर मत करो इंस्टाग्राम पे ये गजब की बेइज्जती है यार ऐसा मत करो बट मजाक कर रहा राहुल सर ने भी बहुत चला सुशील सर राहुल सर दोनों ने चला गया हम लोग बेचारे लोग सूट्स भी चल रहे हैं तो देखो जरा जाओ तुम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट उधर है ओपन मजा आएगा कि नहीं ना एक्साइटेड ब्रो एक्साइटेड फॉर शूट बीरो अटक गए बिचारी मजा आने वाला रेडी रिया और ये हमारी जो मॉडल है उन्होंने अपना जो होता है मेकअप मिकाब होता है वो भी उन्होंने उतार दिया है देख सकते हो कि हीरोइन से कम नहीं लग रही है इसमें बैठने का फीलिंग से ज्यादा इसमें बैठने का फीलिंग बहुत अच्छा है। नाश्ता पानी सगले केले आमिनी पानी आता स्पॉट दादा एक पानी का बॉटल दो ना स्पॉट दादा पानी का बॉटल पिया बिस्लरी बिस्लरी या वैसे हम लोगों ने कॉस्ट्यूम भी पहन लिया तो गर्ल्स लोग भी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए गए तो देखते हैं कि वो भी कैसा लगता है सबको मैचिंग करके मालूम है ये कौन सा है राजस्थानी ये राजस्थानी कॉस्ट्यूम है बट कैसा लग रहा है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कैसा लग रहा है ठीक है पर कुछ भी हो ये भैया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया अरे मारो मत इधर देखो तो सही देखो तो बहुत अच्छा हेल्प किया इन्होंने ड्रेसिंग का सारा इन्होंने देखा और इन्होंने फिटिंग भी किया हाय बोल दो हाय हाय अरे वीडियो ब्लॉग है ब्लॉग तो बॉयज आर रेडी कॉस्ट्यूम तो अभी ज्यादा शूट्स के लिए This was a prank. No. Prank baby. इतना हरामी लोग यार ये लोग अभी चलते फिर गर्ल्स लोग का तो अभी तक रेडी गर्ल्स लोग तो रेडी नहीं हुए क्योंकि उन लोग का हाथ छोटा हो रहा है कुछ क्या हो रहा है पता नहीं बट बॉयज लोग आर परफेक्ट ए यहाँ पे अभी भी तेरा ही बात चल रहा है तू यहाँ पे आके तो दिखा तू इधर आके तो दिखा समझ रहे तो फाइनली रिहर्सल भी हो गया बहुत ज्यादा और तो और बहुत टाइम से मतलब इतने टाइम से हम लोग खड़े ना सुबह क्या है मतलब अभी तक शूट स्टार्ट भी नहीं हुआ क्योंकि सब ना मतलब शूट्स वगैरह में ना इतना ही टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम भी लगता है और भी किस किस का तो सुबह 4 बजे से आके भी मतलब शाम के 6-7 बजे का भी उन लोगों का शूट रहता है ऐसा टाइम लग जाता है तो अच्छा लग रहा है।
फाइनल कॉस्ट्यूम भी रेडी है। इट्स सी कैसा लग रहा है। फाइनल कॉस्ट्यूम भी रेडी है और अभी शूट्स के लिए जाना है तो वो लोग भी बुला रहे थे तो बहुत टाइम हो गया है तो अभी जाते हैं। और अभी गर्ल्स लोग भी रेडी हो रहे क्योंकि उनके भी सर पे कुछ ना कुछ तो लगने वाला है तो वो लोग भी कर रहे तो देख के। फाइनली हम लोग ने सारे शूट्स कंप्लीट कर दिए और मज़ा भी आया। और आप लोग को हर चीज़ में अपने इंस्टाग्राम पे हर चीज़ में डालता हूँ कि मतलब कौन से इसमें क्या क्या आएगा करके, वो भी देखना जाके। और सर मज़ा आ गया। अभी मेरा वैसे एग्ज़ाम भी चल रहा था इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रहा था क्योंकि पढ़ाई भी करना था। अगर पढ़ाई नहीं करता तो फिर ब्लॉग कैसे डालता था नहीं। तो इसीलिए अभी आने वाला है, अभी और वीडियो और आएंगे और ब्लॉग्स आएंगे। मज़ा तो आया ही आया क्योंकि सारे लोग ने अच्छे से किया। और सेट्स का अगर आपको क्लिप कम दिखे तो इसका मतलब हम लोग बिजी थे, हम लोग शूट कर रहे थे। करना इसी वाले जब तो सर के पास फोन जब तो सर के पास फोन जब तो हो गया था जब फोटो लेना तो जो मेन इस पे फोटो लेना। अभी चलते पैकअप करते हैं। तो